अभी हम लोग आए यहाँ पर मंगल नाथ महादेव के मंदिर। शिव का हूँ शिव मेरे, और क्या मांगूं। तो अभी हम लोग आए महर्षि शांति बनी आश्रम में। शिव का हूँ शिव मेरे, और क्या मांगूं शंकर से। मेरे मन में उनके तो हमारे और अभी यहाँ पर एक वीर महाराज का मंदिर था, वहाँ पर आए हुए। तो ये वीर महाराज का मंदिर है, यहाँ पर ऊपर कुछ प्रोग्राम चल रहा है, तो हम लोग ऊपर भी जाके आए। बाद में यहाँ पर वो सुखड़े के प्रसाद मिल रही थी, तो भूख लगी थी, तो वो प्रसाद भी खा लिया। पूरे विश्व का एकमात्र मंदिर मंगल ग्रह का जन्म स्थान जन्मभूमि। भगवान शिव एक अंधकासुर नामक राक्षस से युद्ध कर रहे थे, तब उनके मस्तक का पसीना धरती पर गिरा। शिव स्वरूप में भगवान मंगल का जन्म हुआ और ये भूमि पुत्र भी कहलाए, धरती माता के पुत्र। और ये नौ ग्रह जो होते हैं उनके सेनापति हैं, मेष और वृश्चिक राशि के स्वामी है, सभी के हेड है, सेनापति है। ये अपने जीवन के हर हिस्से में जुड़े हुए थे, क्योंकि मंगल अपने जीवन के किस कार्य दिखता है। जमीन जायदाद कोर्ट कचहरी भवन भूमि संतान उत्पत्ति कर्जे से मुक्ति का कारक मंगल होता है। इवन अपने रक्त बॉडी में जो ब्लड बह रहा है ना, इसका कारण भी मंगल होता है। मंगल अपने जीवन के वैवाहिक सुख संतान सुख सभी कार्य दिखता है, व्यापार वगैरह सभी। ये मंदिर पृथ्वी बीच सेंटर में बना हुआ है, कर्क रेखा के ऊपर। हर जगह शिव की सवारी नंदी पे होती है, यहाँ पे शिव की सवारी भेड़ के ऊपर है। शनिदेव को अपन तिल तेल लोहे का दान करते हैं, मंगल को अनाज का दान चलता है और लाल वस्त्रों का दान चलता है। इनको दान चढ़ाने से शेषा भी रुपयों का दान होता है, मंगल होता है। गेहूँ मसूर की दाल लाल कपड़ा पुष्प श्रीफल और ये रत्न मूंगा भगवान का अंगार स्वरूप लाल है। ठंडे के लिए दानी मूंगा दान में उनको चढ़ता है। रक्षा सूत्र प्रसाद ये आपको घर के लिए मिलता है, आपकी दो मालाएं वहां से चढ़ा के देते हैं पंडित जी। इससे मंगल दोषों का निवारण होता है, काम में रुकावट स्वभाव में चेंजेस आना गुस्सा नौकरी चाकरी विवाह व्यापार में दिक्कत इसको पहना सकते हो, ये मंगल दोषों का निवारण करती है। इससे बीमारियां दूर रहती है और जाप भी कर सकते हो। ये आपको फोटो मिलेगा, पूजन स्थान में रखना, यंत्र को लॉकर तिजोरी गल्ले व्यापार में रखना, सभी कार्य मंगल होता है। दोनों माला फोटो यंत्र रक्षा सूत्र और प्रसाद ये आपको घर के लिए मिल जाएगा। बाकी आपका पुष्प श्रीफल दानी मूंगा और दान ये अपना नाम और गोत्र बोल के चढ़ जाएगा। दान चढ़ाते वक्त कोई कार्य रुका और मन में बोल देना, सभी कार्य मंगल होते हैं, क्योंकि शिव के स्वरूप में मंगल है और भूमि पुत्र आए हैं, लाभ लीजिए। ये माता पिता बीवी बच्चे सबका एक संपूर्ण दान होता है परिवार। तो अभी हम लोग आए यहाँ पर मंगल नाथ महादेव के मंदिर। यहाँ पर अभी आपको वीडियो में सुनने को भी मिला होगा जो उस भाई ने बोला हो कि क्या खासियत है इस मंदिर की। तो जैसे कि आप लोगों ने सुना, ये पूरे विश्व का वन एंड ओनली टेम्पल है पूरे वर्ल्ड के अंदर। तो अभी लगता है यहाँ पर रिनोवेशन चल रहा है। जैसे कि बाहर बताया, यहाँ पर मंदिर में नंदी नहीं है, नंदी की जगह भेड़ है। तो देखो यहीं पे भेड़ ही है, महादेव इस पे सवारी करते हैं। यहाँ पर महादेव के सारे मंदिर ऐसे नदी के घाट के ऊपर बना हुआ है। ये मंदिर भी है ऐसे बाजू में है नदी के घाट के। और ये मंदिर स्पेशल ये उन लोगों के लिए जो लोग मांगलिक होते हैं और कुंडली पे मंगल दोष होता है, तो उसकी पूजा करवाने के लिए यहाँ पर सभी लोग आते हैं। तो क्या यहाँ पर वो ही पूजा चल रही थी अभी। और अभी यहाँ पर देखो ये घाट बना हुआ है पूरा। यहाँ पर आगे भी बहुत घाट बने हुए है, देखो आगे एक है, उसके बाद वहाँ पर दूर भी एक है, सब जगह पे ऐसे घाट बनाए हुए है। तो अभी हम लोग आए महर्षि शांति बनी आश्रम में। अब ये कहाँ
उतरिए फूर्ति करिए तो यहाँ पर ये पूरा आश्रम बना हुआ है। यहाँ पर श्री कृष्ण और सुदामा सब लोग यहाँ पर पढ़े थे और यहाँ पर ऐसे मंदिर भी बने हुए हैं महादेव के, एक यहाँ पर है और एक पीछे है। यहाँ पर भी कुंड बना हुआ है और आगे गार्डन जैसा है पीछे। हाँ भाई तो यहाँ पर बस इतना ही था, ये पूरा हो गया। अभी जाएंगे किसी और जगह पे। मैं शुभ का हूँ शुभ मेरे मैं और क्या मांगू शंकर से। मैं शुभ का हूँ शुभ मेरे हाथ तो दिखा अपना हाथ और क्या मांगू ने हाथ तोड़ दिया हो गया। ये हरसिद्धि माता के मंदिर में हमने एंट्री ले ली है। ये जो दो यहाँ पे पूरे दिए होते हैं रात में, अभी मैं देखता हूँ मुझे क्लिप मिलती है तो मैं डाल देता हूँ क्लिप। यहाँ पे पूरा रात को बहुत अच्छे से आरती होती है, पूरा ऊपर से चढ़ के नीचे तक दिए जलाए जाते हैं। तो अभी फाइनली उज्जैन में हमारे सारी जगह पे घूम लिया है, सारे मंदिर आ गए। तो अभी हम निकलेंगे यहाँ से ओंकारेश्वर ममलेश्वर जाने के लिए। तो हो गया, वो भी यहाँ से कुछ 150-200 किलोमीटर दूर है, तो वहाँ पर जाने के लिए अभी 3-4 घंटे लग जाएगी, तो शाम हो जाएगी वहाँ पर पहुँचे। और यहाँ पर इंदौर ओंकारेश्वर के रास्ते भी आ गए, इंदौर से भी आगे आ गए। तो अभी यहाँ पे रुके थे चाय नाश्ता करने के लिए रेस्टोरेंट पे, तो अभी शाम को तो पहुँच जाएंगे, तो देखते हैं रात की आरती भी मिल जाए तो अच्छा हो, क्योंकि क्या कल लेट पहुँचे थे तो आरती नहीं मिल पाई थी। तो आज तो लगता है कि ये पहुँच ही जाएंगे, लेकिन ये रास्ता थोड़ा खराब है, सिंगल लेन रास्ता ही है। ममलेश्वर महादेव के मंदिर पे आ गए, तो ममलेश्वर मंदिर हमें टाइम मिला अभी रात को, तो रात को ही आ गए, क्योंकि क्या है अभी रश बहुत काम है। तो हमें बोला गया है कि कल ओंकारेश्वर जाना है, तो वहाँ पर बहुत रश है, 3-4 घंटे से ज़्यादा टाइम। तो अभी यहाँ पर दर्शन कर लिए ममलेश्वर महादेव।